वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कलर्ड ग्लास, कि जो अलग अलग कलर के ग्लासेस यूज होते हैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर, कि जब हम मटेरियल को पैकिंग करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग किया जाता है स्पेशली फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म, कि जो अलग अलग लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं हमारे उसका हम जो प्राइमरी पैकिंग करते हैं उसके अंदर अलग अलग कलर के जो ग्लासेस को हम यूज़ करते हैं अलग अलग केमिकल्स को पैक करने के लिए, स्पेशली हम ये अलग अलग कलर ग्लास को यूज़ करते हैं। लाइक आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये एम्बर कलर के ग्लास बॉटल है, येलो कलर के ग्लास बॉटल्स आते हैं, ब्लू कलर एंड ऑल्सो अबाउट द ग्रीन। तो सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एन वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स। ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर रैंकिंग। Get this facility on our app PharmaRocks, Android application on Google Play, and now you can also use this app on a Apple App Store. So get the link from the description box and start learning. For test series, contact on 9016312020. सो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को हम स्टडी कर रहे हैं। तो पैकेजिंग क्या है? तो पैकेजिंग को हम कह रहे हैं कि एक प्रकार के वो साइंस है, ऑल्सो द आर्ट एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, कि जो भी हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारी, वो जो हमारी प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, तो एक तो अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए प्लस लॉन्ग टाइम तक उसको क्या रखना है हमें, स्टेबल। तो स्टेबल रखने के लिए जो स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है उसको, तो उसके लिए अच्छे से हमें उसको पैकिंग करना पड़ेगा। तो पैकिंग जो एक टाइप का आर्ट एंड साइंस है इन प्रोटेक्टिंग एनी मटेरियल और टू प्रोटेक्ट और टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, और स्पेशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल एंड यूज़ वी मेक द प्रॉपर पैकेजिंग। सो पैकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी प्रिपरेशंस, की जो भी प्रिपरेशंस होती है। तो ग्लास पैकिंग, तो ग्लास पैकिंग के अंदर स्पेशली जो ग्लास कंटेनर्स है वो प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहले को समझो कि आपने बल्क के अंदर कोई फॉर्मुलेशन बनाया है, तो ये बल्क फॉर्मुलेशंस को जब आप पैक करोगे तो फर्स्ट पैकिंग जो होगा वो कहा जाएगा उसका प्राइमरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग के अंदर ये स्पेशली हम यूज़ करते हैं ग्लास मटेरियल को इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस हैव बीन पैक यूजिंग द ग्लास कंटेनर्स एंड दे आर यूजली द फर्स्ट चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, का सबसे बेस्ट पैकिंग मटेरियल के तौर पे फर्स्ट चॉइस मटेरियल उनको कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस ग्लास पैकिंग, की केमिकली इनर्ट होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करते, फिर मटेरियल को एयर टाइट अच्छे से प्रोटेक्शन देते कि ना ही उसके अंदर एयर परमिएबल हो सकती है ना ही कोई मॉइस्चर। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट के कारण ग्लास पैकिंग को जो है वो प्रीफर किया जाता है। तो ग्लास क्या है, तो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्टली सिलिकेट्स होते हैं और उसके मिक्सचर विथ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये है ग्लास पैकिंग। सबसे पहले आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ पैकिंग होते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो सबसे पहले आपने ये आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाया है जिसको हम कहेंगे प्रिपरेशंस या फिर बल्क फॉर्मुलेशन, जो भी आपने डिज़ाइन किया है वो आपका फॉर्मुलेशन। सेकंड है, अब उसको आप पैकिंग करोगे कि जो कहा जाएगा प्राइमरी पैकिंग, कि जो बॉटल के अंदर आप उसको फिल करोगे प्राइमरी पैकिंग, उसके ऊपर कोई बॉक्स लगाओगे तो वो हो गया उसका सेकेंडरी पैकिंग। एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर ये बहुत सारी ऐसी बॉटल्स को आप फिर रखोगे ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर, कि जिसको हम स्पेशली कार्टून्स करते हैं कंटेनर्स कहते हैं, तो वो होगा आपका
टर्सरी पैकिंग। तो पैकिंग के अंदर स्पेशली देख सकते हैं कि ये जो बॉटल्स होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो ये कलर बॉटल्स के बारे में हम आज के लेक्चर में जानते हैं कि जो पैकिंग के अंदर यूज़ होती है। तो सबसे पहले है ये एम्बर कलर के ग्लास बॉटल्स। सो लाइट येलो विज टू डीप रेड इज ब्राउन, कार्बन एंड सल्फर और आयन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड्स आर मेन इन दिस एम्बर कलर ग्लास। सो एम्बर इज़ द प्रेफर्ड बॉटल कलर व्हेन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम यूवी लाइट। तो जब आप डिस्पेंसिंग फार्मेसी की स्टडी करते थे या फिर फार्मास्यूटिक्स के जो फार्मुलेशंस बनाते थे, तो वहाँ पे एक सेंटेंस आप खास लिखते थे कि स्टोर इन ए, ये वाले सेंटेंस पे याद रखो आप, स्टोर इन एम्बर कलर ग्लास बॉटल, स्टोर इन ए एम्बर कलर ग्लास बॉटल। तो ये हम क्यों लिखते थे, बिकॉज कि जो हमारा मटेरियल है, फॉर्मुलेशन है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम यूवी लाइट, कि यूवी लाइट से उसको अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसके कारण इसको आप इस तरह के एम्बर कलर की, ये जो कलर है कि लाइट येलो विज टू डीप रेडिस ब्राउन कलर, कि जिसके अंदर कार्बन एंड सल्फर आयन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो इंक्लूडेड, कि जो एम्बर कलर की जो बॉटल होती है उसके अंदर ये अलग अलग कार्बन होता है, सल्फर होता है, आयन है, मैंगनीज वगैरह जो उसके अंदर मिक्सअप होते हैं और तैयार करते हैं एम्बर कलर ग्लास। और प्रीफर बॉटल कलर व्हेन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम यूवी लाइट। तो ये वाला खास एम्बर कलर ग्लास बॉटल का जो है वो मेन यूटिलाइजेशन, कि जब आपको मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम यूवी लाइट, तो उस वक्त आप इस तरह के एम्बर कलर के ग्लास बॉटल्स के अंदर उसको फील करोगे। सेकंड है येलो कलर के ग्लास बॉटल्स। तो कंपाउंड ऑफ कैडमियम एंड सल्फर आर एडेड टू मेक इट येलोविश कलर, कि जब हमने नॉर्मल कंपोजिशंस देखा था कोई भी ग्लास का, तो उस वक्त उसको ये येलो कलर देने के लिए क्या किया जाता है कि कंपाउंड ऑफ कैडमियम एंड सल्फर आर एडेड, कि जो नॉर्मल कंपोजिशन है उसके साथ मिक्स किया जाएगा ये कैडमियम एंड सल्फर की, जिससे आपको ये मिलेगा येलो कलर। तो येलो कलर की जो ग्लास बॉटल्स है कि इट्स लाइट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी यूज़ फॉर सम केमिकल टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, कि कुछ केमिकल्स ऐसे हो सके कि उनको लाइट के सामने रेजिस्टेंस चाहिए, कि जो कलरलेस ग्लास होते हैं उसके कंपेयर में ये जो आप कलर ग्लास यूज़ करोगे, तो कुछ स्पेशल जो लाइट के रेज होते हैं, कुछ स्पेशल लाइट के रेज, तो उनके सामने वो आपको देता है प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस येलो कलर ग्लास। तो इसके अंदर आपको मेनली ये याद रखना है कि कौन सा कंपोजिशन उसके अंदर है मेन येलो कलर के लिए, तो कैडमियम एंड सल्फर, कि कैडमियम मेटल एंड सल्फर दोनों को कंबाइन किया जाता है, कि जब ये नॉर्मल ग्लास होते हैं उसको येलो कलर ग्लास के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और जो मेन है लाइट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट सीखते हैं वो है ब्लू कलर ग्लास। सो वेरियस शेड ऑफ ब्लू कोबाल्ट ऑक्साइड और ओकेशनली कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये जो ब्लू कलर के लिए जो नॉर्मल ग्लास है, कि आपके पास है ये एक नॉर्मल ग्लास, तो वो नॉर्मल ग्लास के अंदर एडिशंस किए जाते हैं, कि नॉर्मल ग्लास तो है वो है आपका कलरलेस, बट उसके अंदर एडिशंस क्या किया जाता है कि नॉर्मल ग्लास प्लस उसके अंदर आप शेड ऑफ ब्लू, शेड्स ऑफ ब्लू, कि ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स है, कोबाल्ट ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा है कि कोबाल्ट के ऑक्साइड्स उसके अंदर आप ऐड करते हो, फिर कॉपर मतलब कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये सब ऐड करने से क्या होगा, जो कलर है वो आपको मिलता है ये ग्लास का ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की बॉटल्स कहाँ पे प्रीफर की जाती है स्पेशली, वो जानते हैं कि
कोबाल्ट और ब्लू ग्लास बॉटल्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग द कोबाल्ट ऑक्साइड टू द ग्लास. द कलर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सर्टन टाइप ऑफ यूवी लाइट, कि कुछ स्पेशल जो यूवी लाइट्स होती है उससे आपके जो मटेरियल है उसको स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी, कि जो अल्ट्रा वायलेट रेस से आपकी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली ये ब्लू कलर के ग्लास बॉटल्स को प्रीफर किया जाता है. फिर ये कलर ब्लू कहाँ से आया, तो वो खास याद रखो कि कोबाल्ट और ब्लू ग्लास बॉटल आर क्रिएटेड बाय एडिंग कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट के ऑक्साइड या फिर ओकेशनली क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये जो है वो ऐड किए जाते हैं इन द ग्लास बॉटल. दे आर यूजली स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन देयर एम्बर बॉटल. ये आपको एक फैक्टर याद रखना है कि जब MCQ रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाए तो यहाँ पे आपको कंपोजिशंस तो याद रखने हैं कि जो उसका कलर के लिए जो कंपोजिशन है कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लू कलर, उसके अलावा ये पिन पॉइंट कि दे आर यूजली स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन देयर एम्बर बॉटल, कि एम्बर कलर की बॉटल के कंपेयर में ये जो ब्लू बॉटल से वो है एक्सपेंसिव. नेक्स्ट है वो है ग्रीन कलर की बॉटल्स. आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर. ग्रीन ग्लास बॉटल वॉज यूज फॉर मेडिकल और लेबोरेटरी पर्पस, केमिकली इनर्ट एंड यूज फॉर फार्मास्यूटिकल एज वेल एज फॉर बेवरेजेस लाइक वाइन एक्सेट्रा, कि बेवरेजेस के अंदर भी ये बॉटल प्रेफर की जाती है एंड ऑल्सो इन ए लेबोरेटरी बिकॉज वो केमिकली इनर्ट है स्पेशली एंड जर्नल पर्पस के तौर पे कुछ स्पेशल लाइट्स के सामने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये ग्रीन कलर जो है वो उसका प्रेफर किया जाता है. फिर दूसरी एक चीज़ तो ये है एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिवनेस के लिए भी, कि जो एट्रैक्टिवनेस आपको यहाँ पे मिलती है ड्यू टू दिस ग्रीन कलर, तो वो भी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस बन जाता है ड्यूरिंग द पैकिंग. के पैकिंग के अंदर हम जो ग्लास को कलर करते हैं उसका एक मेन रीज़न होता है एक तो एट्रैक्शन, कि जो भी आपकी बॉटल्स बनती है वो काफ़ी एट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसके कारण ये जो है वो प्रीफर किया जाता है. सो ये है ग्रीन ग्रीन कलर के ग्लास बॉटल्स की, जिसके अंदर मेन जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि जिसके कारण हमें ये ग्रीन कलर मिलता है, तो आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये तीनों का मिक्सचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये ग्रीन कलर के लिए. तो MCQ के लिए आपको ये पॉइंट खास याद रखना है रिगार्डिंग द कंपोजिशंस, की जो कंपोजिशन जो तैयार होता है ग्रीन कलर के ग्लास बॉटल का, तो ये आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन हम कहेंगे कि अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर ये चार अलग अलग कलर के जो हमने ग्लास बॉटल्स देखी सभी में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. सो पैकिंग के अंदर ग्लास मटेरियल का यहाँ पे कंप्लीशन होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ होते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, कि जो प्लास्टिक मटेरियल प्रीफर किया जाता है पैकेजिंग के अंदर. सो टिल देन जॉइन अस ऑन ए व्हाट्सएप ऑल्सो, फार्मर ऑक्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप से उसको आप ये जो ज्वाइन कर सकते हैं, तो सेंड योर नेम एंड सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 टू ज्वाइन फार्मर ऑक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स. Solve MCQ with solution and explanation in our online test series, कि जो फार्मर ऑक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है, कि जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन चार्ज सिर्फ 100 rupees पे करके 1 year तक डेली MCQ सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, जो टॉपिक वाइज रहेंगी कि 365 डेज के अंदर 365 टॉपिक्स, प्राइस हमने रखी है सिर्फ 128 paisa पर डे. MCQ का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको दोनों मिलेगा. GPAT, फार्मासिस्ट, स्नाइपर एंड DI के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी. उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं फार्मारॉक्स के व्हाट्स कांटेक्ट नंबर 9016312020. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप डायरेक्टली और कांटेक्ट अस.
All India pre-GPET test series also available on the app. Also the test series for GPET, NIPA, DI and pharmacist exam. Also with solution in explanation, anatomy test series, NIPA learning course, everything is available on this app, PharmaRox. Android application on Google Play. App Store पे भी अब applications available है कि जो user iPhone use कर रहे हैं, कि जो इनके पास iPhone है, तो iPhone user भी हमें WhatsApp कर सकते हैं on 9016312020 या फिर 9426180836 नंबर पे आप हमें WhatsApp करिए, तो जिससे आपको iPhone के लिए जो लिंक है वो मिल जाएगी कि आप PharmaRox की ऐप को अब iPhone या फिर iPad के अंदर भी यूज़ कर पाओगे. सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.